चुनाव से ठीक पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। अंबाहा विधानसभा से पूर्व विधायक और बीजेपी नेता कमलेश सुमन ने भाजपा का दामन छोड़ अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। कमलेश सुमन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी नहीं बची है। जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में आए हैं, चंबल क्षेत्र में भाजपा के हाल बहुत खराब हो गए हैं। चुनाव से ठीक पहले भाजपा को एक और बड़ा झटका लगा है। अंबाहा विधानसभा से पूर्व विधायक और बीजेपी नेता कमलेश सुमन ने भाजपा से इस्तीफा देकर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। कमलेश सुमन ने पीसीसी चीफ कमलनाथ से मिलकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कमलेश सुमन ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी अब संगठन आधारित पार्टी नहीं बची है। जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में आए हैं, चंबल क्षेत्र में भाजपा के हाल बहुत खराब हो गए हैं। मुझे भारतीय जनता पार्टी में 20 साल हो गए काम करते हुए, परंतु जब से ये सिंधिया समर्थक और सिंधिया जी पार्टी में आए, तब से चंबल संभाग की स्थिति बहुत गड़बड़ हुई है पार्टी की। अब भारतीय जनता पार्टी पूर्व में जो संगठन के नियम थे, रीत नीति थी, उसके आधार पर पार्टी काम नहीं कर रही है। इसलिए मैं दुखी होकर के भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर माननीय श्री कमलनाथ जी के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। पूर्व विधायक कमलेश सुमन के साथ भाजपा के पूर्व जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष नरेश सिंह तोमर ने भी भाजपा को अलविदा बोल कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। नरेश सिंह तोमर ने कहा कि भाजपा में कार्यकर्ताओं को दबाया जा रहा था, निरंतर अनदेखी के चलते मैंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया। कमलनाथ की कार्यशैली से प्रभावित होकर मैं कांग्रेस में शामिल हुआ हूँ। माननीय कमलनाथ जी के समस्त समक्ष हम और हमारे पूर्व विधायक जी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति रीति थी उनसे हटकर कार्यकर्ताओं को दबाया जा रहा था और हमारी निरंतर अनदेखी की जा रही थी। ग्वालियर चंबल संभाग में इस समय भारतीय जनता पार्टी वन मैन शो के हिसाब से काम कर रही है। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी किसी को भी दबा देते हैं, किसी को भी उठा देते हैं, कार्यकर्ता वरिष्ठ हो या कनिष्ठ हो, उनके हितों का ध्यान नहीं रखा जाता। इस कारण से, निरंतर अनदेखी के कारण, मैंने आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। कमलनाथ जी कार्यकर्ताओं के हित का ध्यान रखते हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। इस कारण से, उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर मैंने आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। चुनावी शोर में दब जाते हैं कई बार असल मुद्दे, अनसुना किया जाता है जनता की आवाज, स्वागत की बंधनवारों के पीछे का सच, शिलान्यास के पत्थरों से पथराई आंखों की हकीकत। हमारे साथ दखल न्यूज पर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।